हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जेनकिंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हमने यूजर क्रिएट किया था और एक प्लगइन डाउनलोड किया था हमने रोल्स के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो चलिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन में देखेंगे तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई प्लगइन दिखाई नहीं दे रहा है इंस्टॉल्ड में। तो पहले हम चेक कर लेंगे कहीं ये पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, ठीक है। तो ये कन्फर्म करने के बाद फिर हम देखेंगे कि नहीं है, अगर तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो फिर जाएंगे अवेलेबल पर और वहाँ हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई मुझे प्लगइन नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ रोल असाइन करने वाले हैं। हमने एक यूजर क्रिएट किया था, उसको हम चाहते हैं कि उसको कुछ एक्सेस मिले। तो एक्सेस में उसको या तो रीड कर पाए जॉब्स, या बिल्ड कराना है उसको, बिल्ड का अधिकार मिले उसको एक्सेस कर सके। तो बिल्ड भी बना सकता है, डिलीट भी कर सकता है जॉब। तो जितने भी आप उसको देखिए यहाँ पर ये मैं इसको डिलीट यहां से ऐसा करता हूं। चलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। मैंने अनइंस्टॉल कर लिया, मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने इंस्टॉल किया था उसको, यहां लिखा मैंने, चेक कर लेता हूं कि यहां पर शो हो रहा है नहीं हो रहा है इंस्टॉल्ड में। चलिए ठीक है, ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। मान लीजिए हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स में, और मैंने जेनकिंस में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन देखें नीचे ऑथराइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन में यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाउ में, तो यहाँ पर होने वाला है ऑथराइजेशन में। देखिए मैं यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ मैं कुछ सेलेक्ट करूँगा, चलिए इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया रोल बेस्ड, मैंने सेव किया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद हम अगर मैनेज जेनकिंस में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पर। देखिए आगे होगा मैनेज करके, देखिए येलो कलर का लॉक से बना है मैनेज, ठीक है। रोल्स मैनेज करने के लिए मैंने क्लिक किया, तो यहाँ ऑप्शन देख पा रहे मैनेज रोल्स असाइन रोल्स, तो मैनेज पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ एडमिन के लिए तो पहले से बना हुआ है, एडमिन तो सभी एक्सेस कर सकता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना होगा रोल, उसके बाद उसे असाइन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक रोल असाइन, देखिए एडमिन के लिए है तो हमें सबसे पहले क्या रोल हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है, उसके बाद असाइन करेंगे। तो एजेंट, और मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं मैनेज रोल्स, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें दिखाई जा रही है कि आप उसको क्या क्या रोल्स असाइन कर सकते हैं। तो बस आपको टिक करना होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ दूसरे पेज में। तो यहाँ तो वही ओपन हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर रोल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेवलपर के नाम से कर लेता हूँ, मैं एक रोल ऐड कर लेता हूँ डेवलपर के नाम से, रोल टू ऐड, उसमें जो भी आप देखेंगे मैं रोल एक ऐड कर रहा हूँ। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ ओपन कर लेता हूँ दूसरा, लेकिन ये तो वही खोल रहा है एडमिन वाला। चलिए कोई नहीं, मैं बाद में खोलूँगा। अब इसको असाइन करेंगे रोल डेवलपर के ठीक नीचे जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ ऐड करने के लिए, मैं लिख देता हूँ आर्यन। आर्यन नाम का यूजर जो है मेरे पास पहले से था, मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाया था लास्ट वीडियो में, बस मुझे यहाँ टिक करना होगा डेवलपर में। तो डेवलपर पर मैंने जो रूल्स मतलब रोल्स में जो भी डिफाइन किया होगा वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लॉगिन, तो देखिए एक्सेस डिनाई क्योंकि मैंने अभी कोई भी उसको एक्सेस नहीं दिया है। तो वापस मुझे एडमिन में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे मैनेज में, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी हमने रीड का उसको एक्सेस नहीं दिया, रीड का भी एक्सेस नहीं दिया है। बाबीज एडमिन में जाऊंगा और यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे मैनेज जेनकिंस में, और यहाँ मैनेज वाले में यहाँ क्लिक करेंगे। अब मैं उसको
यहां पर देखिए एसेस दे रहा हूं मैंने, यहां पर क्लिक करूंगा ओवरऑल, डिटेल पूरी लिखी हुई है, रीड के लिए देना है, क्रिएट के लिए देना है, डिलीट के लिए, या जॉब है या एजेंट है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम जॉब्स के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जॉब्स वो रीड कर पाए, ठीक है, जॉब्स वो रीड कर पाए। अगर मैं इतना ही दूंगा कि वो सिर्फ जॉब रीड कर पाए तो वो रीड ही कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं दूंगा बिल्ड भी बना पाए तो बिल्ड भी बना पाएगा। अब मैं आ जाता हूँ उसमें आर्यन वाले में, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, देखिए ये आप इसको आप पढ़ पा रहे हैं, तो दो ऑप्शन यहां पर आ गए हैं, बाकी ऑप्शन आपको कोई नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि एडमिन में आप देख रहे थे, यहां पर सिर्फ आप रीड के लिए मिला है। देखिए मैं यहां क्लिक करूंगा तो यहां कुछ भी यहां पर ऑप्शन नहीं मिला इसको, देखिए सिर्फ कंसोल आउटपुट हो गया है ना, स्टेटस हो गया। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और एसेस देने की कोशिश करते हैं इसको। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं मैनेज, और यहाँ क्लिक करेंगे तो अब ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ मैं टिक कर लेता हूँ दो चार चीजें को बिल्ड, ठीक है। अब देखिए वो ऑप्शन आर्यन वाले में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, माय व्यू आ गया, बिल्ड हो गया, देखिए बिल्ड नाउ आ गया, बिल्ड नाउ का पहले बिल्ड नाउ का ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, अब बिल्ड कर सकते हैं आप, बिल्ड का एसेस दे दिया है आपने, ठीक है। तो जो जो आप एसेस देना चाहते हैं, इस रोल को असाइन करना चाहते हैं, वहां पर सिर्फ आपको टिक करना है जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इतना है, हम और आगे बढ़ते हैं, फिर और असाइन करने की कोशिश करते हैं रोल। यहां जाएंगे मैनेज वाला होगा, देखिए येलो कलर का लोक सा लगा है, यहां पर जाएंगे और क्लिक कर लेते हैं। यहां पर देखिए जो जो क्लिक करेंगे वो वहां शो होगा, उसको वो एसेस मिल जाएगा सारी, ठीक है। जॉब्स के अंदर और क्लिक कर लीजिए, देखिए क्रिएट, कि वो जॉब भी क्रिएट कर पाए, ठीक है। अब वो जॉब भी क्रिएट कर पाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया होगा, यहाँ पहले मैनेज पर जाएंगे, फिर से जाएंगे, ठीक है। तो मैं वहां पर वो जॉब भी क्रिएट करवा रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिएगा, और अगर आपको जितना भी काम लेना है, ठीक है, यूजर से जो आपने क्रिएट किया वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि न्यू जॉब आ गया, अब यह क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आप इसको असाइन करेंगे एसेस डिनाय, अब ये क्यों आ रहा है, वापिस जाएंगे हम इसको जॉब में, ठीक है। यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाएंगे मैनेज वाले में, फिर से हम असाइन करेंगे कुछ, कहाँ से आएगा, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉन्फिगर, क्योंकि हम कॉन्फिगर नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ पर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन था ही नहीं। अब वापिस जाएंगे तो वहाँ पर एक कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन आ चुका होगा। अब आप देखेंगे तो ठीक है, आ गए गए यहाँ लिखा, और देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने क्लिक किया तो देखिए कॉन्फिगर आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे एक जॉब बना के देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप रोल असाइन करते जाएंगे उसी तरह से उसको रोल मिलते जाएंगे। तो आप चाहे तो दो तीन कितने भी यूजर बना लीजिए, देखिए हमने वो चलाकर देख लिया, एडमिन एडमिन में चलते हैं। तो अब इस आप पे डिपेंड करता है कि उनको क्या रोल करना चाहते हैं, कोई वो यूजर रीड कर पाए सिर्फ, या वो चेक करवाना है आपको बिल्ड, उसको ध्यान से देखे। मैं यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ जो सभी को दिखाई देगा यूजर्स को, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी, एक आइडिया दे दिया, आई होप आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इसमें, इस वीडियो से किस तरह से यूजर को रोल असाइन कर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं।